पूरे मैदान पे एक नारा गूंजा, मुंबई का राजा कौन? तो जवाब आया रोहित शर्मा। वेलकम टू क्रिकेट इंसोमिया, क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी। चेन्नई और मुंबई के बीच मुकाबला, रोहित शर्मा पूर्व मुंबई के कप्तान और मौजूदा भारतीय टीम के कप्तान। जब सारे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के एक तरफ से आउट होते चले गए, तभी छोर पे खड़ा था वो खिलाड़ी। हालांकि अभी मुंबई इंडियंस के वो कप्तान नहीं है, परंतु रोहित शर्मा बताए कि मुंबई इंडियंस को जब जरूरत पड़ेगी तो वो सदैव खड़े रहेंगे। रोहित शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से 105 रन की पारी, वो भी चेन्नई के खिलाफ, जिसके पास ऐसे गेंदबाज मिस्ताफिजुर और पजराना जैसे आक्रामक गेंदबाज जो कि 4-4 विकेट चटका रहे। एक तरफ से मुंबई का विकेट गिरा, परंतु मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा खड़े थे और छक्के और चौके की बरसात लगा रहे। मुंबई इंडियंस के वो खिलाड़ी हैं वो जिनको मुंबई इंडियंस की अहमियत पता है, मुंबई इंडियंस के दर्शकों को उनको उनकी वैल्यू पता है, मुंबई इंडियंस के जितने समर्थक हैं उनको पता है कि रोहित शर्मा क्या खिलाड़ी है। जिस दिन रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे उस दिन कमी खेलेगी इन शतकीय पारी की, उस दिन कमी खेलेगी मुंबई इंडियंस को जो 5-5 ट्रॉफी जिताए, उस दिन कमी खेलेगी कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कितनी बेहतरीन और खूबसूरत होगी। रोहित शर्मा अपना 100% देते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजों को समझाना हो। हालांकि वो कप्तान नहीं है, परंतु ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं और मुंबई के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये पारी बहुत बेहतरीन थी, बहुत खूबसूरत थी। हार्दिक पांड्या कप्तान तो हैं, परंतु हार्दिक पांड्या उस तरीके से कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। ना उनका बल्ला चल रहा है, ना उनका गेंद चल रहा है, दोनों रूप से वो खामोश नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ऐसे खेलते रहे और मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि खिलाड़ी और जो अन्य प्लेयर हैं कैसे खेलते हैं। अगर रोहित शर्मा इन्वॉल्व रहेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो अच्छे खिलाड़ियों का चयन करेंगे आने वाले विश्व कप वर्ष 2024 में, इसी वर्ष जो T20 विश्व कप खेला जाने वाला है। डीके खेल रहे थे तो उनके लिए वो तारीफ भी किए कि वर्ल्ड कप का महीना है डीके मारे। और भी खिलाड़ी हैं जो मुंबई के लिए अच्छा प्रदर्शन किए, परंतु चेन्नई जो है मुंबई पर हावी रही और 20 रनों से मुकाबला जीती। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी, इधर देखते रहिए क्रिकेट इंसोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, प्ले स्टोर पर जाएं क्रिकेट इंसोमिया डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।